Hello and welcome to ETAuto. Today we are at Asia's largest trucking stopover point, Sanjay Gandhi Transport Nagar in Northwest Delhi. Spread across 75 acres of land, it is said that around 20,000 trucks pass through this area every single day, while over 70,000 trucks are parked here on a given day. But amidst all the dust, dirt and the chaos, there is a 55-year-old woman who's an expert at repairing the tyre punctures. There's nothing that a woman can't do, and proving these words is India's first woman tyre mechanic, Shanti Devi. Shanti Devi is a class 2 dropout and has been in this profession for over 30 years now. Not to be bogged down by gender stereotypes, she works for about 12 hours repairing 10 to 15 tires each day. जो काम हम कर रहे हैं ना वो काम कोई भी नहीं कर रहे। तो जब हमारे हस्बैंड करते थे उनके साथ में हम भी करते थे तो हम लोगों को जरा भी झिझक नहीं लगती थी। जैसे कोई कहते हैं कि ये मर्दों का काम औरत करती है तो मैंने ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग तो कर लेते हैं। अगर वो नहीं भी होते हैं ना तो कारीगर लेके हम अपना काम पूरा संभाल लेते हैं। क्यों हम लोगों को 40 साल हो गए ये नॉलेज है। ये कहते थे आप आंटी जी हट जाओ अंकल जी काम करेंगे तो अंकल जी यही कहते थे कि नहीं जो काम हम नहीं करेंगे ना वो काम ये लेडीज़ करके दिखा देगी अगर हम नहीं भी होते हम गांव चले जाते तो ये संभाल लेती है और थोड़ी बहुत चोट चपोट तो लगती रहती है जैसे कभी टायर लीवर लग गया कभी हथौड़ा लग गया कभी कुछ हो गया तो ऐसी चोट वोट तो लगती रहती है लेकिन हम कभी घबराए नहीं है लेडीज़ में देखो हम ही लोग मतलब ये काम कर रहे हैं वरना और मैंने अपना काम करते हुए किसी को नहीं देखा। Born and brought up in Madhya Pradesh, she moved to Delhi for her second marriage. While her husband was a rickshaw puller, she ran a chai shop all by herself in Transport Nagar. But for the want of a stable income, the couple decided to invest their savings and jointly learn the art of tire repairing. हम लोग एमपी के रहने वाले हैं, तो हम लोगों ने बड़ी-बड़ी मुसीबत उठाई। क्यों पहले हमारी शादी हुई थी वहाँ पे भी जैसी मिल में काम करते थे हमारे घर वाले तो ये समझो कि उधर भी बहुत गरीबी थी और उनमें माल सारे थे जुए भी खेलते थे सट्टा भी लगाते थे दारू भी पीते थे फिर हम लोगों को मारते थे और खाना पीने के लिए बहुत परेशानी होती थी तो हम लोग रात को बीड़ी बनाते थे दिन में कपड़े सिलते थे सिलाई आ जाती थी घर पर ही बनाते थे क्योंकि एमपी में फैक्ट्री तो है नहीं हमने अपनी शादी खुद अपने पैसों से करी हमारे माँ बाप भी बहुत गरीब थे Last year, her husband passed away due to cardiac arrest. She's been working independently since then. While her daughters are married, her sons are living on their own. Shanti Devi is a self-made woman, truly an epitome of patience and perseverance. हम तो हर महिला को यही कहते हैं कि भई कंधे से कंधा मिला के चलो और जैसे आदमी कहता है कि औरत क्या करेगी औरत सब कुछ काम कर लेती है क्यों कि उसको हौसला दो और कदम से कदम मतलब वो मिला के चलेगी तो मतलब संसार भी बढ़ता है और दो पैसे भी आते हैं और हमको क्यों डर लगेगा जब पूरी जवानी गुजर गई तो अब तो बुढ़ापा आ चुका है हम तो नाती पोते वाले हो चुके हैं तो हम लोगों को कोई डर नहीं लगता